अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, भोजन सही से पचता नहीं है, शरीर कमजोर है, नेत्रों की ज्योति मोबाइल एडिक्शन की वजह से वीक है, सिगरेट के कारण फेफड़ों में गंदगी जमा हो गई है, बहुत सारा पैसा फूंकने के बाद भी चेहरे पे दाग धब्बे हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत योग क्रिया के बारे में व कुछ ऐसे प्राचीन तरीके बताऊंगा जो इन सारी समस्याओं का नाश करेगी। सबसे पहले बात करते हैं योग क्रिया की। इस योग क्रिया को हम पवन धोती व गज करणी भी कहते हैं। पवन धोती दो शब्दों से मिलकर बना है, पवन प्लस धोती। पवन का अर्थ है उल्टी करना तथा धोती का अर्थ है धोना। जिस प्रकार हाथी पानी पीकर उसे अपनी सूंड द्वारा बाहर निकाल देता है, उसी तरह इस क्रिया में पहले बहुत सारा पानी पिया जाता है, फिर उसे उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसीलिए इसे गजकरणी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इस क्रिया को सावधानी पूर्वक कैसे करना है। सर्वप्रथम जग में गुनगुना पानी लेकर उसमें आवश्यकता अनुसार नमक मिला लें। इसके पश्चात काग आसन में बैठ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार लगातार पानी पिएं। जब ऐसा लगने लगे कि पानी अंदर नहीं जा सकेगा, तब आपको रुक जाना है। अब खड़े होकर थोड़ा आगे की ओर झुक जाइए और अपना बायां हाथ अपने पेट के ऊपर रख लीजिए। इसके पश्चात दायां हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली द्वारा जीभ को पीछे से दबाएं। ऐसा करते ही पिया हुआ पानी उल्टी द्वारा बाहर निकलने लगता है। जब आप ये क्रिया करोगे तो आपकी आंखों से गंदा पानी निकल जाएगा। आपके पेट से निकलने वाला पानी हल्का सा कड़वा व हल्का सा हरा हो जाएगा। ये कड़वापन ही समूल रोगों की निशानी है। जो भोजन हमारे पेट में अपच रह जाता है, वह ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, वो सब इस क्रिया के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, पेट सफा तो हर रोग दफा। अब बात करते हैं सावधानियों की। नंबर 1, ये क्रिया आपको तब करनी है जब आपका पेट खाली हो। नंबर 2, जिन लोगों को हृदय रोग व उच्च रक्तचाप की समस्या है, वो इस क्रिया को ना करें। पानी आपको हमेशा काग आसन में बैठ के ही पीना है। नंबर 3, पानी पीते समय रुकना नहीं चाहिए, जग तथा गिलास साफ होने चाहिए। इस योग क्रिया के साथ साथ आपको प्राचीन तरीकों को भी अपनाना होगा, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं चेहरे के दाग धब्बों की। तो मित्रों, इसके लिए आपको कम से कम 2 लीटर पानी को खौलाना है और उसमें आपको नीम की पत्तियों को डाल देना है। इसके बाद तौलिया को अपने सर पे डाल के आपको इस पानी की भाप लेनी है। ऐसा करने से चेहरे के पोर्स में फंसी गंदगी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है और कुछ ही दिनों के बाद आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर होकर चेहरे पे ग्लो आने लगता है। इसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रात में दूध पीना अमृत के समान होता है। ऐसा करने से चेहरे पे तेज उत्पन्न होने लगता है, ये मैंने खुद आजमाया है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र को मजबूत करने की। इसको मजबूती देने के लिए आपको अपने भोजन करने के नियम पे ध्यान देना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आपको हर एक कौर भोजन को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, जब तक वो लार युक्त ना हो जाए। इसीलिए जानवरों का पाचन तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि वो जुगाली करते हैं। वो भोजन को तब तक चबाते हैं जब तक वो लार युक्त ना हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि खाना जरूरी नहीं होता बल्कि पचाना जरूरी होता है। दूसरा नियम यह है कि आपको भोजन करने के तुरंत बाद भूल से भी पानी नहीं पीना है। ऐसा करने से हमारे पाचन तंत्र की जो अग्नि होती है वो ठंडी पड़ जाती है और फिर भोजन पचता नहीं है बल्कि सड़ता है। इसी वजह से कब्ज की समस्या आ जाती है। इसीलिए चेहरे पे दाग धब्बे आने लगते हैं, क्योंकि पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं और पेट से ही खत्म। इसीलिए भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर आप भोजन के तुरंत बाद अगर थोड़ी सी गुड़ खा लेते हैं तो इससे आपका भोजन सही से पच जाता है और हमेशा आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। मित्रों, आंखों के लिए, पाचन तंत्र के लिए आपको एक बढ़िया उपाय बताता हूँ। आपको नीम की पत्तियों की छोटी छोटी गोली सी बना लेनी है और उन्हें धूप में सुखा देना है।
और आपको हर सुबह खाली पेट एक से दो गोली आपको पानी के साथ लेनी है। ऐसा करने से स्वप्न दोष की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी और कोई भी रोग आपके आसपास नहीं भटकेगा, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। बात करें अगर फेफड़ों की गंदगी साफ करने की, तो इसके लिए सुबह हर रोज आपको कुंभक प्राणायाम करना चाहिए।